रही थोड़ी सी मुस्कुराती दो दिलों की है इजाजत, मेरा नाम है मोहब्बत। मैं जानता हूं कि तुमने अभी तक अपनी माँ की मौत को बुलाया नहीं। माँ? जी नहीं, हमने अगले महीने अपने बेटे की शादी पक्की कर दी। लेकिन मैं इस फैसले को नहीं मान सकती। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे हुक्म करें। जी नहीं, शुक्रिया। अनु! डैडी, जिंदगी मुझे गुजारनी है और आप मुझे एक ऐसे शख्स के हवाले कर रहे हैं जिसके बारे में मैं जानती तो क्या, उसे देखा तक नहीं। वैसे मेरी गाड़ी में बैठने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, हाँ, ठीक। देख लो बेटा, तुम सच कह रही हो ना? अरे नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था, ऐसे ही बस। हाँ ओके बेटा, ठीक, खुदा हाफिज़। क्या कहा उन्होंने? कह रही थी अनम से उसकी मुलाकात परसों हुई थी। और उसकी जो बाकी सहेलियां थी उन्होंने क्या कहा? रोहा, शानजे और तानिया, उनमें से किसी के घर भी नहीं है वो। अल्लाह खैर करे साहब जी, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है, आप कुछ करें ना। मैं हिना और वो नोमान। मेरा तारुफ करवाना जरूरी है क्या? अनु, कोई टेंशन है क्या? हाँ वो नहीं नहीं तो। कभी हाँ कभी ना, बहुत अजीब सा जवाब है। वैसे अजीब है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। और कितनी देर लगेगी? हाँ बस हो गया, बंदा गाड़ी खींचने के लिए तैयार है। बाय द वे गाड़ी चलाई जाती है वैसे। अगर अब आप एक्सक्यूज मी, कोई फजूल बात मत करना। मैडम से पूछ लो, अगर चलना है तो फिर चले। जी साहब, ओह शुक्र है गाड़ी मिल गई। और मेरी बेटी, क्या कह रहे हैं आप? माय गॉड, क्या
क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? गाड़ी मिल गई मगर बेटी का कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। मुझे लग रहा था, मुझे पहले लग रहा था साहब जी, आप कुछ भी कहें, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। नहीं, शायद हाँ। पता नहीं बीबी जी, अल्लाह ना करे कहीं कोई दो दिलों पहले हमारा बेटा खाएगा। Oh,
बाबा की बात इतनी बुरी लगी, इतनी बुरी लगी कि इन आंखों को फिर से वापिस आ जाओ बेटा, एक बार वापिस आ जाओ, तुम जो कहोगे ना मैं वही करूंगा, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ बेटा, वापिस है। यहाँ किसी अकलमंद ने गेस्ट हाउस तो बनवाया, वरना तो सफर करते करते है ना। मेरा मशवरा वैसे अभी यही है कि तुम वापस चले जाओ। देखो इना, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम डिस्कस करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। माना कि हमें ज्यादा देर नहीं गुजरी, लेकिन हमेशा का साथ तो अपने ही देते हैं। तुम ये बात कह सकती हो क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा अपना है ना। मैं बड़ी मुश्किल से रूम अरेंज हुआ। चलो अरेंज हुए तो सही जी। अब मेरे ख्याल में आप भी आराम कीजिए और उनको भी आराम करने दें। अच्छा बाबा, ओके ना, गुड नाइट।
आजो बेटा आजो, देखती नहीं हो, तुम्हारे डैडी तुम्हें बुला रहे हैं। आजो आजो बेटा आजो, तुम्हारे बगैर तुम्हारे डैडी बहुत अकेले हो गए हैं बेटा। मेरे लिए यही बात है। मुझे माफ कर दे डैडी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। और अंकल, अनन ये बात दिल से कह रही है। जी डैडी, आप जहां कहें कि मैं वहीं शादी करूंगी। वादा? जी डैडी। तो फिर इस नौजवान के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? इनसे नहीं डैडी, जहां आपने जुबान दे रखी है मैं नहीं शादी करूंगी। और वैसे भी इनको और हमारा साथ तो बस यहीं तक का था। और अगर मैं फिर भी यही चाहूं तो? नहीं डैडी, ये हरगिज नहीं हो सकता। डैडी, ये शादीशुदा है। ये किसने कहा आपसे? शादीशुदा मैं नहीं, ये है मेरी कजन। ये तुम्हारी कजन है? हाँ, मेरे शोहर इसी शहर में होते हैं। हम दोनों ने तो तुम्हें उसी वक्त पहचान लिया था ना, जब तुमने अंकल का नाम लिया था। पहचान गए थे? क्या मतलब? मतलब ये कि नुमानी वो लड़का है जिसके साथ तुम बचपन से मनसूब हो। लेकिन डैडी वो बेटा, शायद कुदरत ने मेरी जुबान का भरम इसी तरह रखना था। है ना बेटी? जी। आओ मैं तुम्हें घर दिखाऊं। तो आपकी खामोशी को मैं क्या पूछूं? क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी नए ताल्लुक को जोड़ने से पहले मोहब्बत का होना जरूरी है? तो तुम किसी और से मोहब्बत करती हो? नहीं, मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। लेकिन मैंने की है। मोहब्बत किसी और से और शादी मुझसे? किसी और से नहीं है ना, सिर्फ तुमसे। शुरू से लेके आज तक मैंने जिसे चाहा वो सिर्फ तुम। बस मैं अपनी मर्जी तुम पे मुसल्लत नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, सच्ची चाहत ही मोहब्बत की बुनियाद होती है। और मोहब्बत तो खुशबू की तरह हर लम्हा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, बस उसे रूह की गहराइयों से महसूस करना होता। नजरें मत चुराओ, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें
क्या तुम्हें इनमें मोहब्बत नजर नहीं आती? अपने दिल की बंद खिड़की को खोल कर महसूस करो मुझे। देखो आना।